मॉर्निंग हो गया है और आप सभी को मेरे ले जाके सिंपल लाइफ में स्वागत है। और अभी अस्पताल जाना है तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। और मैंने चावल कल पूरा दिन भिगो के रखा था, रात को पेस्ट करके रखा था ब्रेकफास्ट के लिए, चीला बोल सकते हो। उधर ज़्यादा कुछ नहीं दिया, सिर्फ ऑनियन और नमक देंगे, ऐसे फ्राई कर लूँगे, अच्छा लगता है, डोसा की तरह ही है लेकिन ये चावल का चीला बनाया मैंने। और इधर हर्षिता के लिए खिचड़ी एक साथ रेडी कर रही हूँ। रात को मैंने ये बैटर वगैरह रेडी करके रखा था और सब्जी भी काट के रखी थी। ये सुबह जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वरना अस्पताल से आने के बाद इतना काम नहीं हो पाएगा। उधर पानी आ रहा है तो हस्बैंड ने और छिटकने से पहले पानी भर देंगे बकेट में सारा। तो खिचड़ी रेडी करके रख दिया है, फिर छिटकने के बाद उसको डाल दूँगी। और इधर चाय के साथ ये वाला नाश्ता अच्छा लगता है। तो हर्षिता उठ गया है, मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, अभी उसका खिचड़ी मैं एप्पल भी मतलब क्या बोलते बॉयल करके रख देती हूँ। खिचड़ी हो गया है, जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लेती हूँ। सोयाबीन जो मैंने छोक करके रखा था उसको फ्राई करके सोयाबीन बैंगन और आलू का मिक्स सब्जी बनाऊँगी सिंपल। दाल वाल नहीं बनाऊँगी, टाइम नहीं होगा इतना, इसलिए बैंगन मैंने कल रात को ही मतलब कटिंग करके रख दिया था। तो हर्षिता को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करा दिया था, अभी खिचड़ी खिलाऊंगी। फिर सब्जी बना लूँगी और खाने के टाइम पे कुछ बना लूँगी, उसको अंडा है बाप बेटी के लिए बना लूँगे ऑमलेट। मैं इस सब्जी में ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ कुछ लहसुन डालूँगी, मिर्ची और जीरा पाउडर और लास्ट में धनिया बस। जल्दी जल्दी के चक्कर में हालत खराब हो रहा है। उधर हर्षिता के पापा का उसको क्या बोलते हैं तुलसी का काढ़ा खिलाएंगे, तुलसी का मतलब जूस पिलाएंगे, वो खास रहे थे। जो बचा हुआ बर्तन वगैरह था उसको धो के रख दिया, हर्षिता के लिए खिचड़ी के लिए दाल चावल भिगो के रख दिया। इधर सब्जी बन रहा है, बाकी का काम कर लेती हूँ। इधर पेट वगैरह ठीक कर लिया, अभी झाड़ू पोछा
सॉरी, फास्ट कर ज़्यादा हो गया था वरना वीडियो क्या होता। ज़्यादा लॉन्ग होता वीडियो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ज़्यादा फास्ट कर दिया। तो सारू हो गया मेरा, तो सब्जी भी बन गया सिर्फ धनिया डाल के। इसको उतारा और इसके पापा इसको खिचड़ी खिलाएंगे। बर्तन वगैरह धो रही है, सारा कुछ खत्म, काम खत्म हो जाएंगे तो टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि अस्पताल में कितना टाइम लगता है पता नहीं चलता है, कितना भीड़ है कितना नहीं कैसे। खिचड़ी भी डाल दिया कुक मतलब गैस पे, और बाकी का कढ़ाई वगैरह धो के रख के बाकी पोछा लगा के रेडी हो जाऊँगी थोड़ा सा नहा के। मेरा डेली क्लीनिंग रूटीन, जाने के लिए तैयार हो गए हैं। जाने के बाद पता चला कि मतलब अस्पताल में डॉक्टर मतलब काइने इधर नहीं बैठता है तो उधर रेफर किया है, लेकिन आज नहीं होगा। सुधर भी गायनो नहीं है, आयरन टैबलेट दे के मुझे भेज दिया है, कोई बात नहीं। अभी नहा लिया, काम वाम तो करके गए थे। अभी खाने के लिए रचिता को एप्पल वगैरह भी खिला दिया था, जल्दी आ गए थे। अभी आमलेट बना लेती हूँ दोनों के लिए, और अंडा का स्मेल सुनते ही मैडम पहुँच गए। शाम को सोने के बाद खाना वाना खा के सो गए थे। सोने के बाद उठी और उठने के बाद थोड़ा कैंटीन चले गए थे, उधर से मंथली सामान जो जो चाहिए था लेके आ गए थे। अभी चाय वाय पी के सीता का दूध पिला के थोड़ा सा पार्क में चले गए थे। वो पार्क में खेले और मैं कहीं कोना पकड़ के थोड़ा सा बैठने की कोशिश करके, फिर चेयर दिखा उधर जाके मैं बैठ गई थी, बैठ के उन लोगों को मतलब देख रही थी। घर में कितना दिन हो गया, कल भी नहीं गए थे तो इसलिए सोचा था थोड़ा सा शाम को काम तो नहीं था तो इसलिए चले गए थे।
भी हम लोग मतलब आने के बाद हर्षिता को थोड़ा सा प्यार कर रही थी, उसको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करा दिया था। अभी थोड़ी देर हम लोग खेलेंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, फिर हर्षिता को खाना खिलाएंगे हम लोग। अभी इसको मैंने पहले तो हमारे नॉर्मल नेचुरल साउंड में ही रखा था, लेकिन बाद में पता चला टीवी चल रहे थे तो सारा टीवी का आवाज़ आ गया था, तो कॉपीराइट क्लेम हो जाता, तो इसीलिए पहले मैंने चेक कर नहीं किया था, लेकिन बाद में मुझे जब चेक किया था तब तो पता चला था। तो भी यही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, उसको भी मतलब दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है प्यार करने के लिए, रात को तो सो जाता है, थोड़े बहुत जब भी टाइम मिलता है हम दोनों का टाइम होता है। उसके पापा खाना खा रहा था, सॉरी उसके पापा पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे उसको थोड़ा सा बहलाना था, तो उसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे, तो तब तक अभी ख़त्म हो गया ये वीडियो, यही तक था। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में मेरा। अगर आपको वीडियो सचमुच पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।